धू इतनी बड़ी कब से हो गई है कि मेरे घर के फैसले करने लगी है? क्या सोच के तूने सज्जल को इजाजत दी जाने की? वो तो खुद जाने को तैयार थी, आपके रोकने से रुक जाती क्या? देख फरी, मुझे पहले ही तुझ पे ना बड़ा गुस्सा है, मजीद जिच ना कर मुझे। कोई जरूरत नहीं है तुझे मेरे बेटे और बहू के मामले में अपनी टांग अड़ाने की। ये जब आपकी लाडली बहू ना आपके बेटे को लेकर उड़न छू हो जाएगी तो आप मेरे ही सर पर बैठ के रो रही होंगी। अल्लाह ना करे कि वो दिन आए। अच्छा, आपको अभी भी ऐसा नहीं लगता? पासपोर्ट बन गए? हाँ, तो वो बात की बात है, तू मुझे इस बात का जवाब दे, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? हाँ अम्मी, आप देख नहीं रहे अशर कैसे सज्जल के हुसन के पीछे पागल हुआ चला जा रहा है? थोड़ी देर के लिए उसको नजर से दूर करना जरूरी था। क्या मुसीबत है, किचन में कुछ खाने को ही नहीं है, छुट्टी उट्टी है क्या खाने की? सुबह नाश्ता भी नहीं करके गई आज। किसने कहा था नाश्ता ना करके जाओ? नाश्ता करने बैठ जाती ना तो मेरी क्लास मिस हो जाती। हो जाती मिस, क्या हो जाता, हमारे सर पे शोर तो नहीं मचा रही होती अभी? अम्मी आप सुन रही हैं आप ही की बातें? तुम दोनों मेरे सर पे क्यों लड़ रही हो? पहले मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जितनी भूख लग रही है आप ही को क्या मुझे कुछ खाने के लिए बना दे। क्यों, नौकरानी लगी हूँ मैं तुम्हारी जो खाना बना के दूंगी? वो तुम्हारी चहेती भाभी का काम है खाना बनाना, क्यों नहीं बना के गई वो? और भेजो उसे, अब जा बना खाना। मैंने तो सिर्फ जाने को कहा था उसको, मुझे क्या पता था कि महारानी खाना भी बना के नहीं जाएंगी। जाओ अपना खाना खुद बनाओ, और अगर कुछ ऑर्डर कर रही हो तो मेरे लिए भी कर देना, भूख लग रही है मुझे।